Assalamu alaikum students, how are you all? As we have practiced addition, multiplication and subtraction of fractions, now we are going to start our exercise 3C. In this exercise we will learn how to divide fractions. Let's move to our question number 7. Divide the following fractions. हमने इन fractions को divide करना है. First हमारी fraction है 1/2/5 divided by 4/5. सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन 1/2/5 डिवाइडेड बाई 4/5. 7/5 ये हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया है. 5 × 5 5 + 2 7 7/5 डिवाइडेड बाई 4/5 7/5. अब हम क्या करेंगे, अब जो डिवाइड करने का रूल है फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हुए, हम क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन तो हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं. जब नेक्स्ट फ्रैक्शन राइट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन बना लेते हैं, और जो हमारी सेकंड फ्रैक्शन होती है उसको हमने ऑपोजिट कर देना होता है. जो हमारा न्यूमिरेटर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा न्यूमिरेटर बन जाता है. अब यहाँ पे 4/5 है, मल्टीप्लाई साइन के साथ हम ये डिवाइड साइन को चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5/4 हो जाएगा ये हमारा. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे अगर इनकी कटिंग होती हुई होगी तो हम इनकी कटिंग कर देंगे, वरना एज इट इज़ हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 को 5 से कट कर देंगे. 5 × 5 5 × 5 अब हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन बन रही 7 है और ये 4 है, 7/4 ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट पार्ट है डी, 84/21/16. अब हम इसको फ्रैक्शन को बैलेंस कर लेंगे. 84/1/21/16. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी चेंज करेंगे. 84/1 मल्टीप्लाई 16 हमारा ऊपर आ जाएगा और 21 हमारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यही डिवाइड करने का रूल है. अब हम इनकी कटिंग करेंगे, अगर कटिंग होती हुई होगी तो ये हो सकती है, ये 21 है और ये 84 है. 3 के साथ इसकी कर सकते हैं. 3 × 7 = 21. 3 × 2 = 6. 6 8 में से 6 माइनस करें 2. 2 इधर 4 के साथ 24 बन जाएंगे, तो 3 × 8 = 24. अब नेक्स्ट 7 है, ये 28 है. 7 और 28 की भी कटिंग हो सकती है. 7 × 1 = 7. 7 × 4 = 28. अब हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है, यहाँ से 4 16, और ये नीचे फ्रैक्शंस रहे हैं वो 1 1 है. अब क्या है, 4 × 16. अब नीचे क्योंकि कोई आंसर नहीं है, ये 1 ही है, तो ये 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं. 4 16 = 64 ये हमारा आंसर हो गया. अब हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है जिसको हमने सोल्व करना है, 16/1 / 19/4. 16/1 मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, डिवाइड को ख़त्म करेंगे तो 4/19 बन जाएंगे. अब इनकी कटिंग नहीं हो रही है. 16 × 4 1 × 9 64 and 9/19. अब इनकी डिवीजन करेंगे हम, 19 64 19 3 = 57. 7 हमारा रिमाइंडर है. हमारा आंसर अब क्या बन रहा है, 3 7/19. यह है हमारा क्वेश्चन. यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही थी, हमने इनको सिंपल मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से डिवाइड किया, जो डिवाइड करने से आंसर आया वो हमने राइट कर दिया. नेक्स्ट पार्ट है एम पार्ट, 3 5/6 डिवाइडेड बाय 1 1/6. अब इनको मिक्स फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बना लेते हैं. 6 3 = 18. 18 में 5 + 20 = 23. 23/6 डिवाइडेड बाय 6 × 1 = 6 + 1 = 7/6. अब डिवाइड साइन को ख़त्म करेंगे. 23/6 मल्टीप्लाई बाय 6/7. अब ये यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, हम इन दोनों की कटिंग कर देंगे. 6 × 1 = 6 6 × 1 = 6. अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ बच रही हैं, 23/7. 23/7 को अब हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने से 7 3 = 21. 23 में से 21 माइनस करें 2. अब ये हमारा 2 जो है रिमाइंडर है, और हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 2/7 ये अब हमारा आंसर है. स्टूडेंट्स नाउ डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट C H I and L. थैंक यू.